नमस्ते महोदय, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं मेरे नए ऑडियो इंटरफेस के बारे में। पूरी की पूरी डिटेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऑडियो इंटरफेस क्या काम करता है, क्या उसका रीजन है, क्यों उसे अपग्रेड करना है और मेरा नया ऑडियो इंटरफेस मैंने क्यों सिलेक्ट किया है। अगर हम बात करें मेरे होम स्टूडियो के बारे में तो वहां पर मैं यूज करता हूं एंटीलोप ज़ेनगो। आपने देखा ही होगा किसी न किसी लेक्चर में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। उसमें दो हेडफोन कनेक्ट हो जाते हैं, स्पीकर्स कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत ही अच्छी ए टू डी या डी टू ए कन्वर्ट है, कन्वर्जन है, बहुत ही अच्छी कन्वर्जन उसके अंदर है, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक बहुत बड़ी नॉब है उसके अंदर और एक होम स्टूडियो के लिए वो जबरदस्त ऑडियो इंटरफेस है और मैं डेफिनेटली आप सबको रेकमेंड करूंगा अगर आप एक उस लेवल के ऑडियो इंटरफेस की तरफ जाना चाहते हैं। यहां मैं बात करने वाला हूं मेरे इस मेन बड़े स्टूडियो में और मैं यहां पर कौन सा ऑडियो इंटरफेस यूज कर रहा हूं, क्यों मैंने अपग्रेड किया है, उसका क्या रीजन है, ये पूरी डिटेल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नया ऑडियो इंटरफेस है एंटीलोप का ओरायन 32 प्लस। इसमें ऐसी क्या खास बात है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, जल्दी से इसके बारे में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे क्यों मैंने इतने सारे ऑडियो इंटरफेसेस में ये वाला सिलेक्ट किया है अपने मेन स्टूडियो के लिए। एक ऑडियो इंटरफेस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कन्वर्जन। जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एनालॉग टू डिजिटल कितने क्वालिटी में वो कन्वर्ट होता है और जो आप अंदर प्रोसेस कर रहे हैं अपने स्टूडियो में, अपने सॉफ्टवेयर में, चाहे यहाँ पर लॉजिक खुला हुआ है पर आप FL स्टूडियो यूज कर रहे हैं, स्टूडियो वन यूज कर रहे हैं, एबल्टन, कोई भी और सॉफ्टवेयर हो, जो भी आप डिजिटली काम कर रहे हैं, फाइनली वो एनालॉग में कन्वर्ट होके किस क्वालिटी के साथ आप सुन पा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ऑब्वियसली कन्वर्जन। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। आपको एक स्टूडियो में कितने इनपुट और कितने आउटपुट चाहिए उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑडियो इंटरफेस सिलेक्ट करते हैं। ये एक डॉल्बी सेटअप है। इस डॉल्बी सेटअप के अंदर ऑब्वियसली आपको बहुत सारी आउट चाहिए, यानी बहुत सारे स्पीकर्स कनेक्ट करने हैं, तो डेफिनेटली एक ऐसा ऑडियो इंटरफेस चाहिए जो साउंड क्वालिटी के साथ साथ बहुत सारी ऑडियो आउटपुट भी देता हो, जो कि डेफिनेटली ओरायन 32 प्लस देता है। बात करें इमर्सिव ऑडियो की तो साथ में मैंने ये रिमोट कंट्रोल भी ऑर्डर किया है। आशा करता हूं आपको ये नजर आ रहा होगा, मैंने डॉल्बी वाली वीडियो में भी इसको डिस्कस किया था। ये ओरायन 32 प्लस और गैलेक्सी, ये दो मॉडल्स का रिमोट कंट्रोल है इमर्सिव ऑडियो का, यानी कि मेरे डॉल्बी एटमॉस का। सो 32 इन 34 आउट, 34 एनालॉग आउट तो है ही, उसके अलावा यहाँ पर मैं डिजिटल तरीके के साथ और एक्सटेंड करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑनबोर्ड गियर का। मैं यहाँ पर बहुत सारे गियर भी यूज कर रहा हूँ जो धीरे धीरे मैं आने वाली वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के लिए भी सीखने के लिए काफी कुछ यहाँ पर एनालॉग हार्डवेयर होते हैं। जब हम बात करते हैं एनालॉग हार्डवेयर की तो डेफिनेटली इनपुट और आउटपुट, लेफ्ट राइट यानी बहुत सारे इनपुट्स और बहुत सारे आउटपुट्स चाहिए, यानी कि मुझे बहुत सारी इनपुट्स भी चाहिए, डेफिनेटली इसलिए भी मैंने ये ऑडियो इंटरफेस सिलेक्ट किया है। तो मेरे प्रीएम्प में 8 इनपुट्स हैं, यानी कि एक ऑप्टिकल केबल के साथ मैं 8 माइक्रोफोन इकट्ठे इनपुट ले सकता हूं। एक और बहुत बड़ा रीजन है इसको सिलेक्ट करने का, मुझे चाहिए था एक ऐसा ऑडियो इंटरफेस जो 19 इंच रैक हो, इसके अंदर फिट हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पर रैक स्पेस बने हुए हैं, तो मैं चाहता था कि मेरी टेबल पे थोड़ी सी क्लीनलीनेस हो सो दैट मैं कुछ बुक्स, कोई नोटबुक यहाँ पर आराम से रख सकूं। बात करें इसके सॉफ्टवेयर की, बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है, बहुत ही हैंडी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सिंपल, किसी भी इनपुट को किसी भी आउटपुट में बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है। कनेक्शंस की बात करें तो DB25 इसके पीछे कनेक्टर्स हैं, उसके साथ ही मैंने हार्डवेयर और स्पीकर कनेक्ट किए हैं। दिखने में जितना ही प्रीमियम है, साउंड क्वालिटी ऑब्वियसली उतनी ही जबरदस्त है। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ लूप ट्रॉटर है, फ्यूजन है, बेटर मेकर है, जितने हार्डवेयर यहाँ पर हैं बहुत इजीली कनेक्ट हो गए हैं इस ऑडियो इंटरफेस के साथ। इसके बाद भी अगर मुझे और एक्सपेंड करना हो तो मैडी है, यानी 128 डिजिटल चैनल्स, वर्चुअल पैच भी है साथ में, चाहे आप थंडरबोल्ट 3 पे काम कर रहे हैं चाहे USB 2, दोनों के साथ ही कनेक्ट हो जाता है। AFC 64 बिट क्लॉकिंग, इमर्सिव ऑडियो के लिए, फ्यूचर ऑडियो के लिए एकदम रेडी है ओरायन 32 प्लस जेन 4। और आपको मालूम है अपने स्टूडेंट्स को डॉल्बी की ट्रेनिंग देने के लिए ही ये ऑडियो इंटरफेस मैंने सिलेक्ट किया है। इस ऑडियो इंटरफेस के साथ मेरा एक्सपीरियंस किस तरह से रहा है, क्या मैंने नई चीजें सीखी हैं, डेफिनेटली आने वाले लेक्चर्स में मैं डिस्कस करता रहूंगा। आशा करता हूं आपको मेरा अपग्रेड पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक लिए देव नेक्स्ट लेवल, साइनिंग आउट, नमस्ते।